कहिए कैसे हैं आप? क्या आप बहुत नाइस हैं? क्या आप बहुत सीधे हैं? देखिए, अक्सर हम यही तो कहते हैं ना कि हमें अच्छे बन के रहना चाहिए, हमें नाइस बन के रहना चाहिए, यही तो कहते हैं ना। पर क्या हो जब यही अच्छा बन के रहना हमारे दुख और परेशानियों का सबब बन जाए? हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं, लोग हमारा मिसयूज़ करने लगे, हमें ज़िंदगी बहुत डल बोरिंग लगने लगे, हमें कुछ भी अच्छा ना लगने लगे, हमें सब लोग मतलब ही लगने लगे। देखिए, नाइस होना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी चाहते हैं ना कि नाइस बन के रहें, दूसरों के लिए आगे आए, दूसरों की मदद करें, सभी यही चाहते हैं कि अच्छे बन के रहें। पर नाइस बनने के साथ साथ ना हमें कुछ बातें और भी ऐसी हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अब वो क्या बातें हैं? देखिए, बातें हैं बहुत ज़रूरी, और आज मैं आपको 7 बातें बता रही हूँ कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम नाइस हैं, पर उसके साथ साथ कुछ बातें और भी बहुत ज़रूरी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ना कहना सीखना चाहिए। देखिए, अपनी इज्जत होती है ना अपने हाथ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम किसी को हाँ क्यों कहते हैं? देखिए, आप खुद ही सोचिए, क्यों कहते हैं हम हाँ? कि दूसरा नाराज ना हो जाए, यही आता है ना सबसे पहले, कि नाराज ना हो जाए, या हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है कि जो दूसरे लोग हैं ना, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं हमारे प्रति, और इस तरह के जो होते हैं ना सेल्फिश मीन टाइप के लोग, ये ज्यादा आने लग जाते हैं हमारे पास। देखिए, ये ज्यादा कैसे आने लग जाते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, मेरे साथ एक और लेडी भी काम करती है, वो अक्सर मुझे अपना काम भी दे देती है कि तुम कर दो, और मैं मना नहीं करती, मैं कर देती हूँ क्योंकि मैं नाइस हूँ, तो हाँ मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। एक दिन अपने साथ वो एक और लेडी को ले आती है कि इसको भी मेरे साथ जाना है कहीं पे, इसका भी काम कर दो। तो बढ़ गई ना संख्या, मैं खुद ही इनवाइट कर रही हूँ ना कि मैंने पहले ही उस लेडी को मना नहीं किया, वो दूसरी को ले आई, दूसरी हो सकता है तीसरी को ले आए, तो ये बात है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है नो कहना सीखना। अब दूसरी बात ये आती है कि हाँ किसको कहें, ये भी सोचने वाली बात है कि हाँ किसको कहें। हाँ उसको कहें जिसकी प्रॉब्लम हमें जेन्युइन लग रही है, मतलब जो लग रहा है, सच में लग रहा है कि हाँ इसको जरूरत है मदद की, और हम करना चाहते हैं और हम कर भी सकते हैं। मतलब एक तो उसको जरूरत भी है, वो नीडी भी है, और हम करना भी चाहते हैं, हम कर भी रहे हैं, हम मतलब दिल से करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि ऊपर से दिखावे से, कि चलो ये तो बड़े बड़े फादर का बेटा है तो चलो इसकी मदद कर दो, ऐसा नहीं है, हम दिल से करना चाहते हैं क्योंकि उसको जरूरत है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी को जरूरत है मदद की, मैंने उसकी हेल्प कर दी, चलो जाके हेल्प कर दी, जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उन्हीं के पास गई, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, फिर भी जब भी उनको जरूरत पड़ती है मैं उनकी मदद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नाइस हूं ना, मैं सोचती हूँ कि चलो वो करें ना करें, मेरा तो फर्ज है, मैं तो करती रहूं। उससे पता है क्या होता है, उससे उनके मन में क्या फीलिंग आ रही है, वो ना डोमिनेट करने लगेंगे, वो मुझे कमजोर समझने लगेंगे और मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि भाई देखो हम करें ना करें ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा करती है। इस तरह की फीलिंग ना आए, मतलब हम कमजोर थोड़ी ना है, हम तो नाइस है ना, हम तो अच्छे हैं, पर इसका क्या हो रहा है, मिसयूज ही हो रहा है ना। इसलिए मतलब हम हाँ मदद जरूर करें, किसी की भी मदद जरूर करें, पर जो जेन्युइन हो, ऐसे नहीं कि किसी की भी जाके करना शुरू करते। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि डर खत्म करके हम कॉन्फिडेंट बने। हम कई बार अच्छा बनने के चक्कर में, नाइस बनने के चक्कर में ना चुप हो जाते हैं। चुप कैसे हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है, मतलब जो बिल्कुल ही गलत है, फिर भी हम सुन रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम नाइस है इसलिए चलो कोई बात नहीं, इसको बोलने दो। तो अपनी एक ना लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, हमारी भी एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि हमने किस हद तक चुप रहना है, और कोई गलत बात बोल रहा है, गलत बात क्यों टॉलरेट कर लें। अच्छा, फिर कई बार कुछ लोग इसलिए भी चुप हो जाते हैं कि सामने वाला उनको छोड़ के ना चला जाए। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो वाइफ इसलिए हस्बैंड के बहुत ज़्यादा जुल्म इसलिए सहती रहती है कि हस्बैंड उसको छोड़ के ना चला जाए, या एक एम्प्लॉय है वो ऑफिस में बॉस की डांट इसलिए खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है कि बॉस उसको निकाल ना दे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, मतलब डर को खत्म कीजिए। अगर आप अच्छे हैं तो आप गलत बात किस लिए सुने, किस लिए करें, मतलब आप इसलिए करे जा रहे हैं कि हाँ मैं गलती का, जो गलत बात है उसका साथ दे रहा हूं, इसलिए कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, निकाल ना दे, ये चीज बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसके साथ साथ कई लोग तो बहुत बात बात पे सॉरी 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 सॉरी, गलती नहीं होती तो भी सॉरी सॉरी सॉरी, किस लिए? क्योंकि हम नाइस है इसलिए? नहीं,
बात बात पे सॉरी किस लिए बोलना है? ठीक है, हमारी गलती है। देखिए, अगर मैंने कोई गलती किया तो मैं 10 बारी भी सॉरी बोलूं, बनता है मेरा सॉरी बोलना। गलती नहीं है फिर किस लिए बोलूंगी मैं? ये तो सोचने वाली बात है ना, इसका मतलब क्या हुआ फिर? फिर आता है इसमें फोर्थ पॉइंट की अपनी राय भी रखिए। हाँ हाँ ना ना, मतलब सामने वाला हाँ हाँ कोई ऐसी बात बोल रहा है तो हम हाँ हाँ यस मैन बन गए, नहीं 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 मतलब हाँ या ना, अगर वो हाँ बोल रहा है हाँ, वो ना बोल रहा है ना, ऐसे यस मैन नहीं बने। मतलब अपनी राय भी रखिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मार्केट गई हूँ, अपनी किसी रिलेटिव के साथ गई हूँ, उनको एक साड़ी बहुत अच्छी लगी, वो बोल रही है कि ये तू ले ले, मेरे लिए बोल रही है, तो मुझे उसका कलर बहुत ज़्यादा ना ब्राइट लग रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये अच्छी है, पर चलो एक दो और देख लेते हैं। तो क्लियर हो गया ना, मतलब अपनी राय तो रखी। उससे क्या होता है कि ना उनको भी लगेगा कि हाँ देखो ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है, होता ही है ना सामने वाला। नहीं तो हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, अगला मैंने तो पहनी नहीं है, वो भी सोचेगा कि इसको तो कुछ भी पसंद आ जाता है, कुछ भी रख लेता है ये या रख लेती है ये, तो कोई कुछ भी दे दो इसको। तो बुद्धू समझ लिया ना उन्होंने हमें, इसलिए अपनी राय रखनी चाहिए। देखिए बहुत तरह की बातें होती हैं जिंदगी में, चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी राय भी देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है इसमें फिफ्थ पॉइंट की सिचुएशन को बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मैं ऑफिस में बहुत अच्छी तरह काम कर रही हूँ, तो जो बॉस हैं वो मेरे को डबल काम दे रहे हैं कि चलो तुम तो ये भी कर लो, तुम ये भी कर लो। अच्छा कभी कभी तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, हमारा एक्सपीरियंस ही गेन हो रहा है ना, हमें नॉलेज भी बढ़ रही है, पर हमेशा दे देना, उससे क्या होता है कि बहुत इरिटेशन हो जाती है कि ये क्या मतलब हुआ, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है, हम ना नहीं कर रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए हम ज़्यादा बोलेंगे तो इसका नेगेटिव असर भी पड़ सकता है, इसलिए बहुत डिप्लोमेटिकली, जैसे कि बॉस ने काम दे दिया तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बिल्कुल कर लूँगी, पर वो जो पहले की प्रेजेंटेशन बनानी है वो फिर मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, तो दोनों काम हो गए ना क्लैश। तो बॉस क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तुम तो वो तो करो, वो बहुत ज़रूरी है, ये मैं किसी और को सौंप देता हूँ। मतलब सिचुएशन को, जैसे मान लीजिए घर पे हैं और सास बोल रही है बहू को खीर बनाओ, ये भी बनाओ वो भी बनाओ, तो बहू बोल रही है कि हाँ ठीक है मैं बना लेती हूँ, पर आपकी दवाइयाँ लानी थी, 2 दिन से वैसे ही डिले हो रहा है। तो सास क्या बोलेगी, नहीं नहीं पहले तो दवाई ले आओ, वो ज्यादा जरूरी है। सिचुएशन को आंकलन करके देख के कि हमारे लिए इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या है, किस तरह से, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि सामने वाला नाराज हो। नहीं तो सीधा बोल दो मैं नहीं लाती, मैं नहीं खीर बनाती, मैं नहीं काम करती, उससे क्या होगा, उससे एक टेंशन क्रिएट हो गई ना। तो बहुत समझदारी से सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए। फिर इसमें 6 पॉइंट आता है, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आप ये देखिए जो आपकी टू डू लिस्ट है, आज की जो लिस्ट है उसमें जो आपने काम लिखे हुए हैं, उसमें आपके लिए कितने काम है, आपके अपने लिए कितने काम है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, उसके लिए ये करना है, होते हैं ना 10 चीज़ें तो दूसरों के लिए, अपने लिए तो है ही नहीं। तो जो टू डू लिस्ट है ना उसमें अपने लिए भी समय निकालिए, अपने समय की वैल्यू समझिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपने लिए समय निकालिए। फिर इसमें 7th पॉइंट आता है कि अपने लिए भी नाइस रहिए। जैसे हम दूसरों के लिए रहते हैं ना नाइस, अपने लिए, जैसे हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं ऐसे अपनी खुशी का ख्याल। देखिए अपने लिए कोई हॉबी सेलेक्ट कीजिए, मतलब किसी ना किसी हॉबी में खुद को बिजी रखिए, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको अच्छी लगे, जिससे आपका मन लगा रहे, जिससे आपको दुनिया इंटरेस्टिंग लगे, ऐसे डल बोरिंग नहीं लगे। जैसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि लोग नहीं अच्छे लगते, लोग मतलब ही लगने लगे, दुनिया बहुत बोरिंग लगने लगी, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। देखिए जो लोग अच्छे हैं उनकी मदद करना, जो लोग बहुत नाइस हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। जो लोग हमारी हेल्प करते हैं, जो लोग केयरिंग हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, उनके लिए तो हमें हमेशा आगे आना ही चाहिए। पर बहुत ज़्यादा नाइस होना ना कई बार हमारी वीकनेस बन जाती है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं बनती। हम ये सोच रहे हो कि नाइस होना हमारी ताकत है, ताकत नहीं है, ये हमारी वीकनेस बन जाती है। देखिए अच्छे रहिए, अच्छे बनिए, पर जो अपनी अच्छाई है ना उसको अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, यही कि बहुत अच्छे होना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या हाँ ये बात सही है, ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं तो क्या करें, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए।
पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकते, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।